व्हाट आर शैडो डिप्लोमैट्स, ऐसे प्रतिनिधि होम कंट्री के जो फॉरेन कंट्री में जाकर के वहां पर होम कंट्रीज के एजेंडा फैसिलिटेट करते हैं। दो देशों के बीच में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाने के लिए दे अपॉइंट एन एम्बेसी। एम्बेसी का रोल होता है अपने होम सिटीजन को असिस्ट करे किसी भी तरह के इश्यूज में। एम्बेसी में काम करने वाले को कहा जाता है कॉन्सुलेट्स। बट डू यू नो नॉट ऑल कॉन्सुलेट वर्क्स इन द एम्बेसी। काफी सारे कॉन्सुलेट्स बाहर रहते हैं एंड दे आर नोन एज ऑनररी काउंसिल्स। ऑनररी काउंसिल मतलब ऐसे लोग अपॉइंट होते हैं इन द फॉरेन नेशन बाय द होम कंट्री, जिसको तभी पैसा दिया जाता है जब उससे कुछ काम होता है। सो दे आर वर्क बेसिस प्रतिनिधि। हर देश के ऑनररी काउंसिल्स हैं ऑलमोस्ट हर देश में। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक इंडिया आर ट्रांसपेरेंट दैट उनके कौन कौन ऑनररी काउंसिल्स हैं, एंड कंट्रीज लाइक रशिया एंड यूएसए नेवर शेयर उनके ऑनररी काउंसिल्स कौन है। इसको एक फिक्शनरी एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से देयर इज अ यूएसए हेडक्वार्टर्ड बिजनेस ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज, उस बिजनेस को इंडिया में एंटर होना है। नाउ द इंडियन लॉज फॉर क्रिप्टोकरेंसीज आर वेरी वेग and it is full of grey areas. So an influensive USA business will approach the US government to lobby and facilitate the cryptocurrencies laws in India, जो उस business के favor में run करे। The US government will approach the honorary council of USA in India. That honorary council can be an Indian citizen also. अब वो प्रतिनिधि Indian regulatory authorities and Indian government को lobby करेगा so that the Indian government make laws which are favorable to that US based company. जब भी government में lobby का नाम आता है there is lot of bribery involved. इसीलिए ये लोग काम करते हैं शेडोज में, इसीलिए इनको कहा जाता है शेडो डिप्लोमैट्स।